आज देखिए, हम अफसर खान साहब के पास में आए हुए एक्स कारपोरेटर, जो जनता के बीच में जो हड़बड़ी वाला मामला चल रहा है, जो व्यापारियों के बीच में, के व्यापारी का बोलना है कि हमको कुछ तो भी मतलब टाइम देना चाहिए था, कुछ रियायत देना चाहिए था सीएम साहब ने, तो अफसर खान साहब की इस पे क्या राय है, हम उनसे बात करते। देखिए, आज हमारे सीएम उद्धव जी ठाकरे साहब ने जो फरमान जारी किया, मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूँ। इसलिए करता हूँ कि आज हमारे शहर औरंगाबाद में जो 8 से सुबह 6 तक चल रहा था, वो बहुत सही सिस्टम से चल रहा था, और सैटरडे और संडे तो वैसे भी बंद था। उद्धव जी ठाकरे साहब ने ये सोचना चाहिए कि जो व्यापारी है, एक अगर कपड़े की दुकान है तो उसमें 2, 5, 8 लोग काम करते हैं, उनके घर वालों का क्या होगा। जैसे कोई बड़ी दुकान है उसमें 150 लोग काम करते हैं, जैसे आप इंडस्ट्री 50% में आप चालू रख रहे हैं, आपके कार्यालय में जो 50% चालू रख रहे हैं, तो हमारा ये बोलना था कि रात के 8 से सुबह 6 तक 7 तक ये ठीक था, और अगर आपको उसमें अगर कुछ करना था तो शाम के 6 से सुबह के 6 तक। तो इसमें हर व्यापारी का भी धंधा होता, हर रोज़मर्रा वाले का धंधा होता, रिक्शा वालों का होता, गाड़ी वालों का होता, बैलगाड़ी वालों का होता, ठेले वालों का होता, अनेक लोगों का इसमें घरदार चलते। आज आपने टोटल 30 तारीख तक लॉकडाउन लगा दिया है, तो ये लोग जाएंगे कहाँ, और गवर्नमेंट इनकी मदद कर रही क्या? जो रोजमर्रा के लोग हैं, इनको गवर्नमेंट क्या सहूलत दे रही है, मेरा ये आपसे पूछना है। और आपने जो 30 तारीख तक लगा दिया, अभी 14 अप्रैल आ रही है, 14 तारीख से हमारा पहला रोजा रमजान का आ रहा है, आपने धार्मिक स्थलों पे भी पाबंदी लगा दी है, जैसे आपने शादी में 50 लोगों को छूट दी है, मैयत में 20 लोगों को छूट दी है। तो हमारा रमजान का महीना साल में एक बार आता, हम उसमें इबादत करते हैं, रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं। तो मेरी उद्धव ठाकरे साहब से अदबंद गुजारिश है कि महाराष्ट्र के सभी मस्जिदों में 50-50 लोगों की इबादत करने की, नमाज पढ़ने की, सोशल डिस्टेंसिंग रख के, मास्क रख के, अदबंद गुजारिश करता हूँ हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब से कि आप ये चैनल के माध्यम से, आप डिविजनल कमिश्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि उद्धव ठाकरे साहब तक पहुँचाएं। हम भी उद्धव ठाकरे साहब तक पहुँचाएंगे कि हर मस्जिद में रमजान का महीना हमारा इबादत होती है, 50 लोगों की परमिशन दिया जाए। अब जब आप रोक लगा रहे हैं कि मंदिर और मस्जिद यहाँ पर लोग ना जाए, 2 लोग जाए, 1 पुजारी जाए, 1 मौजन जाए, 1 पेशवान जाए, तो मैं फिर सवाल करता हूँ उद्धव ठाकरे साहब से कि 5 राज्यों में जो इलेक्शन हो रहे हैं, 5 राज्यों में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, और वहां पर आप देख रहे हैं कि हजारों लाखों लोगों की भीड़ है, वहां पर आप कोई पाबंदी नहीं लगा रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पाबंदी नहीं लगा रही है, गौर गरीब लोगों के ऊपर पाबंदी जो लगाई जा रही है, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं, और सारे व्यापारियों से और सारे रोज मजदूर के काम करने वालों से अनबन गुजारिश करता हूं कि सब मिलकर सरकार के खिलाफ धरना दो, मोर्चा दो, आंदोलन करो, जेल भरो आंदोलन करो, हम भी आपके साथ आएंगे। हम हमेशा गौर गरीब लोगों के साथ रहते हैं, गौर गरीब जनता के साथ हम रहते हैं, हम आज भी आएंगे और कल भी आएंगे। लेकिन जो गौर गरीबों की यहां बहुत ही बुरे हाल होने वाले हैं, तो मैं उद्धव ठाकरे साहब से गुजारिश करता हूं कि आप इसको वापस ले फरमान को, और आप शाम के 6 से सुबह के 6 तक लगाओ, हमको भी मान्य रहेगा, सारी जनता को मान्य रहेगा, सारे व्यापारी को मान्य रहेगा, सारे गौर गरीब लोगों को मान्य रहेगा। आपने जो फरमान जारी किया इसको वापस लो, ऐसी मैं आपसे गुजारिश करता हूं। और कोरोना अगर है और कोरोना के नाम पर अगर ये किया जा रहा है, तो फिर 5 राज्यों में जो इलेक्शन हो रहा है, वहां लाखों लोग कैसे? मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट से क्वेश्चन करता हूं, अमित शाह से क्वेश्चन करता हूं, मोदी जी से क्वेश्चन करता हूं कि वहां लाखों लोग कैसे, वहां कोरोना क्यों नहीं है? यहां पर आप पाबंदी लगा रहे हैं, आप कर्फ्यू लगा रहे हैं, आप बंद का ऐलान कर रहे हैं, आखिर यह माजरा क्या है? और अभी पहले आपने गए साल अप्रैल में ही आया था कोरोना, और फिर बीच में 3-4 महीने कोरोना गायब था, जैसे वैक्सीन आई, वैक्सीन आने के बाद में फिर टेस्टिंग, और टेस्टिंग के बाद में कोरोना डिक्लेयर कर दिया जा रहा है। अरे मैं पूछता हूं, कोरोना अगर है तो ये वायरस है तो कोई आदमी देखकर आता है क्या? ये तो सारे लोगों को वायरस होना चाहिए, उसमें कोई भी, उससे कोई भी अछूत नहीं होना चाहिए। आप, मैं एक और क्वेश्चन करता हूं आप लोगों के सामने कि मैं जब से कोरोना के बारे में देख रहा हूं और सोच रहा हूं और बोल रहा हूं, तो इसमें बड़े अनेक बड़े बड़े लोगों को, दिग्गज लोगों को कोरोना हुआ, सेंटर के मिनिस्टरों को हुआ,
स्टेट के मिनिस्टरों को हुआ, उद्योगपतियों को हुआ, फिल्म स्टार को हुआ, क्रिकेटरों को हुआ, तो मैं बुरा नहीं बोल रहा हूं, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं सरकार से कि बड़े बड़े लोग इसमें से एक भी आपने देखा होगा, और इसमें फिल्म स्टार जो है तो किसी का 25% लीवर काम करता है, किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, आप लोग ही बोलते हैं कि शुगर बीपी और लीवर जिसका काम नहीं करता उस पर हावी होता है, तो ये बाकी लोग कैसे सुरक्षित घर को आ रहे हैं? और ये क्या कोरोना सिर्फ गोर गरीब लोगों के लिए है? गोर गरीब लोग हजारों लाखों की संख्या में मर रहे हैं पूरे देश में। मेरा सरकार से सवाल है, ये गोर गरीबों पर अन्याय हो रहा, गोर गरीबों पर जुल्म हो रहा, और गोर गरीब लोग ही पूरे महाराष्ट्र और पूरे हिंदुस्तान में कैसे मर रहे हैं? मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, सरकार जो खेल खेल रही है, जो कोरोना के नाम पे जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले लाखों रुपए जो बिल ले रहे हैं, और आज वैक्सीन अगर आपकी नहीं बिक रही है उसके लिए टेस्टिंग करके ज्यादा कोरोना के पेशेंट हमारे पास अगर निकल रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। इसके ऊपर सरकार ने ध्यान देना चाहिए, सरकार ने इसकी पूरी छानबीन करना चाहिए, और सरकार से मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और स्टेट गवर्नमेंट से भी अत्यंत गुजारिश करता हूं कि कोरोना का खेल बंद करो। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, गोर गरीब लोग इसमें परेशान है, हाथ मजदूर इसमें मर रहा है, रिक्शे वाले, ठेले वाले, बैलगाड़ी वाले, बकार में काम करने वाले लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? तो मेरी अदबन गुजारिश है उद्धव ठाकरे साहब से कि जो पहले चल रहा था 8 से सुबह 6 तक, वो रहने दीजिए। मैं गुजारिश करता हूँ डिविजनल कमिश्नर साहब से, मैं गुजारिश करता हूँ कलेक्टर साहब से, मैं गुजारिश करता हूँ पुलिस कमिश्नर साहब से, मैं गुजारिश करता हूँ मनपा कमिश्नर साहब से कि ये फरमान उद्धव ठाकरे साहब ने वापस लेना चाहिए। और जो सैटरडे संडे चल रहा था 2 दिन, तो हफ्ते में बंद ही है, टोटल लॉकडाउन है, तो ये 5 दिन जो लोग हाथ मजदूर है, पेट भरते दुकानदार है, व्यापारी है, छोटे व्यापारी है, उनका तो आज पूरा दिवाला निकल जाएगा। 1 साल से पहले ही लोग परेशान है, और इसमें परेशानी में आप अगर डाल रहे हैं तो ये सरासर गलत है। मैं इसका विरोध करता हूं, और सबसे एक बार अदबन गुजारिश करता हूं कि सरकार जो फरमान ली दी है उसके खिलाफ सब उठकर बोलो, सरकार के विरोध में धरना मोर्चा आंदोलन करो, हम भी आपके साथ हैं। और मैं गुजारिश करता हूं उद्धव ठाकरे साहब से कि ये फरमान वापस लिया जाए, और डिविजनल कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूं कि औरंगाबाद शहर में जो पूरा लॉकडाउन लगाया गया है इसको रद्द करके जो हमारा चल रहा है 8 से सवेरे 6 तक वो रहना चाहिए, और सैटरडे संडे ये रहना चाहिए, ऐसा मैं गुजारिश करता हूं। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। अभी देखिए अफसर खान साहब ने जो उनके विचार बताए, जो जनता को, जो गरीब जनता है रोज़ कमाने खाने वाली, और कुछ व्यापारियों के ताल्लुक से उन्होंने जो आज मुद्दा जो उठाया है बिल्कुल सही उठाया है। प्रशासन से हमारी भी अपील है कि इसके बारे में थोड़ा ध्यान दिया जाए, रियायत बरती जाए। अफसर खान साहब ने बताया जहाँ आपने 8 बजे का टाइम रखा था उसके बजाय आप 6 बजे का करो बंद करने का मार्केट, ताकि सबको कारोबार मिले, सबको रोज़गार मिले, व्यापार हो, कारोबार चलता रहे, गरीबों का मतलब पेट भी भरता रहे उससे। मैं देश विकास न्यूज़ चैनल से मोहम्मद फहीम अबरार बेग के साथ।